पूर्वी लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन दौलत बेग ओल्डी की तरफ अपने नापाक कदम बढ़ा रहा है। रणनीतिक तौर पर बेहद अहम इस इलाके में वह बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। भारत का ध्यान पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल में भटकाकर चीन ने यहां एक नया रणनीतिक ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए चीनी सेना डेपसांग एरिया में महाविनाशक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। खबर है कि चीनी सेना के युद्धाभ्यास का स्थान भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी से मात्र 36 किलोमीटर की दूरी पर है। चीनी सेना द्वारा इस युद्धाभ्यास में टैंक, तोप, मल्टी रॉकेट ड्रोन सिस्टम और एंटी एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस खबर के सामने आने के बाद इंडियन एयरफोर्स भी सतर्क हो गई है। चीन का यह युद्धाभ्यास भारत के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। चीन सीमा के पास स्थित दौलत बेग ओल्डी पर चीन की पहले से ही नजर गड़ी हुई है। आपको बताते कि लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के सबसे ऊंचे इलाके के रूप में मशहूर डीबीओ चीन सीमा से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन से युद्ध के दौरान डीबीओ से भारतीय वायुसेना के मालवाहक जहाजों से लेकर लड़ाकू विमान इस हवाई पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बनाई गई दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी को एयरफोर्स ने एक्टिव मोड में कर दिया है। यहां से रोज एयरफोर्स के कई हेलीकॉप्टर और जहाज टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं। डेपसांग पहाड़ियों के बीच स्थित जमीनी इलाका है। 1962 युद्ध के दौरान चीन ने इस इलाके के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया था। इस इलाके के पश्चिमी हिस्से में भारतीय सेना तैनात है, जबकि पूर्वी हिस्सा चीनी सेना के पास है। यहाँ से भारत का रणनीतिक रूप से अहम दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड भी काफी नजदीक है। चीन की चाल यहाँ तनाव पैदा करके दौलत बेग ओल्डी के ऑपरेशन की तैयारी को प्रभावित करना है। डेपसांग में चीनी सैनिक पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 13 पर आक्रामक हो रहे हैं। उन्होंने अभी तक भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को रोकना जारी रखा है। इन चारों पॉइंट्स पर इंडिया आर्मी परंपरागत तौर पर पेट्रोलिंग करती आई है। गलवान के उत्तर में स्थित डेपसांग रणनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि यह काराकोरम से सटे रणनीतिक तौर पर अहम डीबीओ पर भारत की पोस्ट के करीब है। यह पहला मौका है जब चीन ने इस इलाके में इतने बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास शुरू किया है। भारत और चीन के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है जिसमें वे एक दूसरे को युद्धाभ्यास की सूचना मुहैया कराते हैं। इसलिए भारतीय इंटेलिजेंस को कुछ देर के बाद यह जानकारी हासिल हो पाई है। इसके बाद से इंडियन आर्मी न सिर्फ सतर्क हुई है बल्कि पूरी तरह एक्शन मोड में भी आ गई है। चीन के युद्धाभ्यास से खतरा इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि उसके द्वारा यह कदम अकारण नहीं उठाया गया है, बल्कि उसकी मंशा डीबीओ में अपनी जंगी तैयारियों को परखना है। इसका मतलब यह है कि चीन की नजर दौलत बेग ओल्डी पर पूरी तरह गड़ चुकी है और वह आने वाले वक्त में यहां किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है। खबर है कि इस युद्धाभ्यास में चीन के सैनिक भारी संख्या बल में हिस्सा ले रहे हैं। उनके द्वारा बर्फीले क्षेत्र में युद्ध की तैयारियों की रिहर्सल की जा रही है। साथ ही विध्वंसक हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने की खबरें हैं। खास बात यह है कि डीबीओ भारत के लिए बेहद ही अहम ठिकाना है। अगर चीन यहाँ पर भारतीय सेना से जंग के अभ्यास में जुटा है तो उसके पीछे एक बड़ा डर भी उसको कहीं ना कहीं सता रहा है। दरअसल डीबीओ से काराकोरम हाईवे भारतीय सेना की जद में आता है। यह हाईवे चीनी सेना की लाइफलाइन माना जाता है। यहीं से होकर भारतीय सेना अक्साई चीन में भी घुस सकती है। चीन की चिंता यही है कि अगर भारतीय सेना ने काराकोरम हाईवे को टारगेट किया तो उसकी आर्मी मुश्किलों में पड़ सकती है। साथ ही अक्साई चीन को बचाना उसके लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। भारतीय सेना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मुकाबले यहाँ ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है, जबकि PLA नीचे प्लेन एरिया में तैनात है। भारतीय सेना की यह बढ़त चीन को सदैव खटकती रही है। हालांकि 1962 के युद्ध के समय चीन ने डीबीओ के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था, मगर रणनीतिक तौर पर एम डीबीओ का वर्तमान इलाका उसके हाथ में जाने से बच गया। भारत ने यहीं पर हवाई पट्टी का निर्माण किया है। कुछ दिन पहले ही वायुसेना प्रमुख RS भदौरिया इस एयर स्ट्रिप का दौरा करके गए हैं। इससे यह भी पता चलता है कि भारतीय सेना इस स्थान को लेकर कितना गंभीर है। इंडियन एयरफोर्स और थल सेना ने यहाँ पर अपनी तैनाती कई गुना बढ़ा दी है। साथ ही इस इलाके में T-90 टैंक भी खड़े कर दिए गए हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के विमानों ने इलाके में उड़ानों की संख्या कई गुना बढ़ा रखी है कि चीन की किसी भी नापाक हरकत का कड़ाई से जवाब दिया जा सके। दौलत बेग ओल्डी में भारत के लिए चीन अगर चुनौती है तो चीन के लिए भारत कहीं बड़ी मुसीबत है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पिछले साल फरवरी में जब संसद के पटल पर खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह ने अक्साई चीन को वापस लेने का उद्घोष किया था, चीन की नींद तभी से उड़ी हुई है। अक्साई चीन को हासिल करने का रास्ता दौलत बेग ओल्डी से होकर गुजरता है। पूरी तरह से निर्जन इलाके अक्साई चीन में चीन की गतिविधियां फिलहाल नामात्र की रही है, मगर उसका डर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत ने जिस तरह से एरिया में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाई है उससे उसकी चिंता कई गुना बढ़ चुकी है। उसे महसूस हो रहा है कि भारत की यह तैयारियां बेवजह नहीं है, बल्कि भारत किसी दूरगामी रणनीति के तहत यहाँ अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है। भारतीय सेना की नजर यकीनन अक्साई चीन पर है और वह उसकी वापसी के लिए किसी बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहा है। चीन भी संभवतः अपनी ताकत दिखाने के लिए यहाँ युद्धाभ्यास में जुटा है, क्योंकि आशंका यही है कि भारत चीन के बीच जंग का अगला अखाड़ा डीबीओ में बन सकता है। दोनों देशों की सेनाएं यहां घातक हथियार डिप्लॉय कर चुकी है। इस इलाके में गलवान से भी ज्यादा तनाव इसकी संवेदनशीलता का साफ संकेत है, खासतौर से डेपसांग में विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जिस तरह भारत और चीन के सैनिकों में झड़पें हुई है, उन्होंने इस तनाव में और ज्यादा वृद्धि की है। पेट्रोलिंग पॉइंट्स 11, 12 और 13 पर दोनों देशों के सैनिकों में कई बार हाथापाई हो चुकी है। हालांकि इस टकराव में कोई हताहत नहीं हुआ है, मगर जिस प्रकार PLA के सैनिक आक्रामक रूप दिखा रहे हैं, वह किसी भी वक्त विस्फोटक आकार ले सकता है। यहाँ हालात इसलिए भी खराब होने का अंदेशा है क्योंकि दोनों ही तरफ भारी तादाद में सैन्य बल तैनात है। साथ ही भारत सरकार ने अपनी सेना को हथियारों का इस्तेमाल करने की छूट देकर मामला और अधिक गंभीर बना दिया है। चीन द्वारा DBO से सटे इलाके में किए जा रहे युद्धाभ्यास पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। गलवान की घटना के बाद भारतीय सेना चीन की बारीक से बारीक हरकत पर दृष्टि रख रही है। चीन के युद्धाभ्यास के मकसद का पता लगाया जा रहा है, साथ ही अपनी तरफ भी तैयारियां पूरी की जा रही है। इस वक्त DBO के इलाके में सेना ने अपनी गश्त तेज कर दी है और किसी भी आपात स्थिति में तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया गया है। पेंगोंग की बर्फीली पहाड़ियों पर चीनी सेना पहले ही भारतीय सेना के सामने फिसड्डी साबित हुई है। PLA के सैनिक -40 डिग्री तापमान के आगे पूरी तरह पस्त पड़ गए हैं और लगातार डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पड़ रही बर्फबारी में PLA 18 से ज्यादा सैनिक गंवा चुकी है। 150 से ज्यादा सैनिक अभी भी बीमार पड़े हुए हैं, जिनका इलाज फिंगर 4 के प्लेन इलाके में बने अस्थायी अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में DBO में चीन की किसी भी हरकत का खामियाजा उसके लिए ज्यादा भारी पड़ सकता है। चीन का सरकारी डबरू ग्लोबल टाइम्स अब प्रोपगेंडा वीडियो जारी करके थक चुका है। बीते 8 महीने में PLA ने सिर्फ युद्धाभ्यास करके अपनी बकरी कुदान दिखाई है। DBO इलाके में भी वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। यह युद्धाभ्यास उसके द्वारा भारत को डराने की बजाय अपनी सेना का डर छुपाने के लिए हो रहा है। गलवान में PLA के सैनिकों को जिस तरह माओवाद भेजा गया, उसका भय चीन के मनोबल पर आज भी पूरी तरह हावी है। चीन जानता है कि भारतीय संसद में अगर अक्साई चीन को हासिल करने का उद्घोष हुआ है तो वह सिर्फ बयान मात्र नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।